वैसे तो जब बात टैक्स भरने की आती है तो नगर निगम के द्वारा कर्मचारियों को घर घर पे भेज करके और टैक्स वसूलने की बात कही जाती है। जो आम जनता है वो टैक्स भरने में ज़रा सी भी कोताही नहीं करती है, लेकिन मसला ये है कि वो उन टैक्स के पैसों का किया क्या जाता है। मैं आपको एक नज़ारा दिखा रही हूँ रांची के उस मुख्य मार्ग का, जो है जोन्हा फॉल जाने का रास्ता है, दसम फॉल जाने का रास्ता है, इवन जमशेदपुर जाने का रास्ता है। इस रास्ते की कुछ ऐसी स्थिति है जो नगर निगम के नज़र से बहुत दूर है। आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, इससे आगे आप कुछ दूरी पे आगे जाएंगे तो नामकुम स्टेशन मिलेगा, वहाँ का भी रास्ता कुछ ऐसा ही है। इससे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा नामकुम ओवरब्रिज, जिसको बने मुश्किल से 4 साल भी नहीं हुए होंगे, 4 साल नहीं 3 साल भी मुश्किल से नहीं हुए होंगे, उस जगह की भी ऐसी स्थिति हो गई है। उससे कुछ दूर अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टाटी सिल्वे ओवरब्रिज देखने को मिलेगा। उस जगह पे जब आप पहुँचेंगे, ओवरब्रिज को बनने में तो बहुत समय लिया गया था, लेकिन जब वो बन के तैयार हुआ तो कुछ समय तक ही उसकी स्थिति अच्छी रही थी, जिसके बाद आज उस ओवरब्रिज की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये मौसम बरसात का था और पूरा बरसात इसी तरीके से रास्ते में गाड़ियाँ चल रही है, पूरे रास्ते में गड्ढे हैं और पानियाँ इसी तरीके से भरी हुई है, जिस कारण वाहन चालकों को दिख नहीं पाता है कि गड्ढे में पानी है। ये एक बड़ी दुर्घटना को न्योता देती है। अब ये देखने वाली बात है कि ये खबर नगर निगम में कितना तहलका मचाती है और नगर निगम क्या एक्शन लेती है। जी, इसी के साथ जुड़े रहिए आप ऐसी ही खबरों को देखने के लिए न्यूज़ विंग टीवी के साथ। काजल मेहता, न्यूज़ विंग, रांची।